ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने अब बैड ड्रीम का पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे देख लीजिए, वरना आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। और उन दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शाम को सब लोगों ने फैसला किया कि वो खेतों में जाएंगे, और विलेजर्स खेतों में काम कर रहे थे और बच्चे शाम की ठंडी हवा को एंजॉय कर रहे थे। और फिर सब ने ठंडे पानी से धुले हुए कुकुम्बर खाए और फिर सब लोग जा रहे थे। तो मिस्टर करीम ने उनसे कहा कि वो अभी नहीं जाएंगे क्योंकि वो एक लंबी वॉक पर जा रहे थे। और फिर सब लोग चले गए और फिर मिस्टर करीम अपनी वॉक के लिए निकल गए। और जब वो वॉक कर रहे थे तो उन्हें रात वाला इंसिडेंट याद आया कि उनके साथ रात को क्या हुआ था। और फिर वो एक लंबी सोच में पड़ गए और फिर उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे चल रहा है। और फिर उन्होंने पीछे देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। और फिर थोड़ी देर के बाद अंधेरा हो गया और उन्हें एक अजीब सी फीलिंग आने लगी। उन्होंने अपना रास्ता मोड़ा और घर की तरफ जाने लगे। और इस बार एक अजीब सी चीज़ हुई। जिस रास्ते पर वो जा रहे थे उस रास्ते पर एक कटा हुआ सर आकर गिरा और उस कटे हुए सर ने उस रास्ते को ब्लॉक कर लिया। और मिस्टर करीम ने अपना रास्ता फिर से चेंज किया तो फिर से वही कटा हुआ सर उस रास्ते पर आकर गिरा और फिर से उसी कटे हुए सर ने उस रास्ते को ब्लॉक कर लिया। मिस्टर करीम समझ नहीं पा रहे थे कि वो करे तो करे क्या, और वो बहुत अकेले थे और उन्हें कोई भी देख नहीं रहा था। और फिर उन्होंने अपनी आँखें बंद की और फिर चलने लगे। और फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपनी आँखें खोली और उन्होंने उसी रास्ते को पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। और फिर वो जल्दी से भागने लगे और फिर कुछ देर के बाद वो घर को पहुँच गए। और वो घर के अंदर आए और उन्होंने दरवाजे को ज़ोर से बंद किया और वो आगे जाने लगे तो उन्होंने देखा कि सब लोग आराम से बैठे हुए थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे। मिस्टर अजीज़ ने मिस्टर करीम को कहा कि चाय बिस्कुट लोगे, तो मिस्टर करीम ने गुस्से से उनके चेहरे की तरफ देखा तो मिस्टर अजीज़ ने कहा कि सब कुछ ठीक तो है ना। तो मिस्टर करीम ने उनको ये सारी कहानी बताई कि उनके साथ क्या क्या हुआ। और एक बार फिर उनकी इन्हीं बातों पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था और फिर से सब उनका मजाक उड़ा रहे थे। मिस्टर अजीज़ ने मिस्टर करीम को कहा कि तुम विलेज में अकेले थे और तुम भूतों और गाँव वालों की बातें सोच रहे होगे, इसलिए तुम्हें लगा होगा, ये बस तुम्हारा वहम है और कुछ भी नहीं। ट्रिप की आखिरी रात सब बच्चे अपने रूम में सो रहे थे और मिस्टर अजीज़ और उनकी वाइफ और मिस्टर करीम और उनकी वाइफ डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और ट्रिप के बारे में बात कर रहे थे। और मिस्टर करीम के सामने वाली चेयर खाली पड़ी हुई थी। अचानक से किसी ने उस चेयर को खींचा और फिर अंदर किया और फिर सब लोगों को लगा कि कोई इस चेयर पर बैठा हुआ है, पर उन्हें कोई भी जाहिर नहीं हुआ। अचानक से उस जगह पर एक आवाज़ गूंजने लगी कि उठो उठो उठो। और फिर उसके बाद मिस्टर करीम अपनी नींद से उठे और उन्होंने देखा कि वो बेड पर सोए हुए थे और उनकी वाइफ उन्हें कह रही थी कि उठो उठो उठो। और मिस्टर करीम ने सोचा कि ये सब कुछ जो हुआ वो उनका एक डरावना ख्वाब था। और मिस्टर करीम ने अपनी मिसेस को थैंक यू कहा कि उन्होंने इस डरावने ख्वाब से उन्हें जगाया। तो दोस्तों, आपने जो ये सारी स्टोरी सुनी वो एक स्टोरी नहीं बल्कि मिस्टर करीम का एक डरावना ख्वाब था। और ये स्टोरी सुनकर आपको गुस्सा आया या आपको शौक लगा वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं एक दूसरी मज़ेदार स्टोरी में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।